सो हे डायट फैंस, तुम्हारा बोर्ड की बायो छिपाने के बाद आ गया हूँ एक जबरदस्त वीडियो के साथ। भाई तू ब्लॉग करने नहीं आया? अगर आप भी मेरी तरह 10 दिन गायब नहीं रहते तो आपको ही पता होगा कि डेडपूल और वुल्वरीन की ये ऑसम पिक्चर निकल कर आई है, जिसके साथ हमको जो सपना बरसों पर दिखाया गया था वो सपना पूरा हुआ, यानी वुल्वरीन का कॉमिक एक्यूरेट येलो आइकॉनिक सूट। और हम बात करें इस सूट के, तो ये सूट हमको देखने को मिला था 2003-2004 की एस्टोनिशिंग एक्समैन कॉमिक बुक सीरीज में। और कॉमिक बुक से इसकी एक्यूरेसी का डिफरेंशिएट लाइक सिर्फ इसकी फुल स्लीव से। कॉमिक बुक में हमको देखने को मिली थी वुल्वरीन की हाफ स्लीव वाला सूट, जिसमें वो अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स के कट्स भरपूर दिखाता था। तो हाँ, ह्यूज जैकमैन के लिए भी उस फिजिक में मेंटेन रहना काफी मुश्किल रहा होगा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फुल स्लीव वाला सूट भी कोई बुरा नहीं है। वही नजर डाले बगल में खड़े हुए डेडपूल के ऊपर, तो वो भी काफी ऑसम और स्टनिंग लग रहा है, पर उसके सूट में इतने कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। तो भाई बात करें इस फोटो के बारे में, तो ये फोटो खुद रायन रेनॉल्ड्स ने रिवील की, क्योंकि कुछ बकलोल फैन डेडपूल 3 के सेट पे पहुंचकर वहां से फोटोज एंड वीडियोस लीक कर रहे थे। तो रायन रेनॉल्ड्स ने इन लीक से परे ये फोटो खुद पोस्ट कर दी, वो भी HD में। पर इन फोटोज से परे डेडपूल 3 के सेट से कुछ वीडियोस भी आई हैं, जिनको हम थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है और हमको क्या देखने को मिलेगा इस मूवी में डेडपूल और वुल्वरीन के साथ। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो हमको डेडपूल और वुल्वरीन के अलावा एक और बड़ी चीज देखने को मिलती है, जो कि यार फॉक्स का आधा अधूरा टूटा हुआ लोगो। तो अब जब डिज्नी ने फॉक्स खरीद लिया है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जितना इस मूवी के बारे में सुनने में आया है कि इसमें बहुत सारे वेरिएंट होंगे, टाइम ट्रेवल होगा, टीवी होगी, तो इन सब बातों के बेस पर मोस्ट प्रोबेबली ये जगह होने वाली है वॉइड। हाँ, ये वही वॉइड है जो हमको लोकी की सीरीज में दिखाया गया था। तो ये वही जगह है जहाँ टीवी वाले जिसको भी प्रॉन करते हैं वो यही आता है, और ये पूरा सीक्वेंस इसी जगह पे टेक प्लेस करेगा। तो डेडपूल 3 ये कैसे सेटअप करती है इसके बारे में बात करें, तो डेडपूल यहाँ कैसे पहुंचा वो हमको साफ साफ क्लियर है। जब डेडपूल 2 में उसने केबल की वॉच चुरा कर टाइम ट्रैवल करके जो जो कांड किए थे, तो उसके दौरान ही टीवी वालों ने उसको पकड़ कर यहाँ भेज दिया होगा, और वो यहाँ इस वाले वुल्वरीन के वेरिएंट से मिला होगा। और वहीं बात करें वुल्वरीन यहाँ कैसे पहुंचा, तो अगर आपको डे ऑफ द फ्यूचर पास्ट मूवी याद होगी तो उस मूवी में भी वुल्वरीन टाइम ट्रैवल करके पहले पीछे गया फिर आ गया, तो इसी के दौरान टीवी वालों ने वुल्वरीन को दबोच लिया होगा और उसको प्रॉन करके वॉइड में भेज दिया होगा। तो जैसे हमने लोकी सीजन 1 में वॉइड में लोकी के कई सारे वेरिएंट देखने को मिले थे, और इस मूवी में भी डेडपूल के कई सारे वेरिएंट रूमर्ड हैं, और ह्यूज जैकमैन ने खुद ये कंफर्म किया कि इस मूवी में वो एक से ज्यादा रोल प्ले करने वाले हैं। तो कई सारी भसड़ के साथ साथ कई सारे वेरिएंट्स के लिए रेडी हो जाओ। और इस लीक फुटेज में एक दूसरे के साथ पेलम पाली भी कर रहे हैं, और ये वॉइड में है तो इनके पास हीलिंग फैक्टर भी है, तो इनकी मार पिटाई के बाद ये दोनों यहाँ से बाहर निकलेंगे और मूवी की मेन स्टोरी शुरू होगी। तो अगर आप ये सोच रहे कि आपको मूवी के बारे में बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स मिल गए हैं, तो ये बस शुरुआत के कुछ गिने चुने सीन थे। और इस मूवी में हमको अर्थ 838 भी देखने को मिलेगा कि आखिर उस अर्थ पर चल क्या रहा है, उसके सुपर हीरो के क्या हाल है, और मोस्ट प्रोबेबली ये वाला वुल्वरीन का वेरिएंट अर्थ 838 से ही बिलोंग करता होगा। तो ये थी कुछ डीप डिटेल्स डेडपूल 3 से। तो इस वीडियो करता है यहीं पर रैप अप, और आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगती है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं इस जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए अर्थ 838 के सुप्रीम आयरन मैन की उम्मीद में बैठे रहो। अंबानी मेरे।